अस्सलामुअलैकुम। आज इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको हलाल और फराख रिस्क अता फरमाए, कुकिंग शुरू करते हैं। आज हम टीने गोश्त बनाएंगे, जिसके लिए हमें चंद इन अशिया की ज़रूरत है। इसमें शामिल है गोश्त, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, टमाटर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट या चॉप किया हुआ, और चंद एक मसाला जार जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया और साबित गर्म मसाले और टींडे। अब हमने गोश्त को गलाना है, और मैंने गोश्त के गलाने के साथ ही प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक बीच में डाल दिया ताकि वो भी साथ में ही गल जाए। मैंने इसके लिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया है, और मैं इसके लिए डालूंगी तकरीबन 1 गिलास पानी। आप इसके लिए देगची या प्रेशर कुकर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम गोश्त का गलने का इंतज़ार करेंगे। जी, तो अब गोश्त जो है वो गल चुका है, और प्याज टमाटर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हमने गोश्त को ढकना है, तो उसके लिए हम ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे, साथ में 1 कप ऑयल, 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। इतना भूनेंगे कि सब चीज़ें यकजान हो जाएं और घी जो है वो गोश्त से अलग हो जाए। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गया और उसका बहुत अच्छे से मसाला बन गया। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट भूना है, 10 मिनट में ही इसका मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें जो हमारे टींडे थे वो कटे हुए, वो हम इसमें शामिल करके मज़ीद 10 मिनट भूनेंगे। जी, तो 10 मिनट मैंने टीनों को भून लिया है, और अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, जिसमें के टींडे भी गल जाएंगे और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। अब इसको तेज आंच पे हम रखेंगे, जल्द से ही इसमें बॉयल आ जाएगा। इसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे टींडों के गलने का इंतज़ार करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि टींडे गल चुके हैं, इनकी शक्ल से ही आपको पता चल जाएगा। और आप इस स्टेज पे आके अपना नमक का जायका अपने चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला मेरा होममेड है, आप इसकी वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। धनिया डालेंगे, तो ये हमारा टींडे गोश्त तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।